में कवानीन तो हैं हमारे पास इसके ऊपर, इस पे लॉज मौजूद हैं, जैसे टीका वगैरह के लॉज हैं, लेकिन ये कि एक तो बात ये कि हमारे लिए बहुत नया फेनोमेना है, अगर आप वेस्ट में भी देखें ना तो दे आर स्टिल लाइक डीलिंग विद इट, उनको भी समझ नहीं आ रही है इसका करना क्या है। तो हम तो जहाँ पे ये टेक्नोलॉजियां बनी भी नहीं है ना इन पे काम हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम रह के ये काम करें, तो हम ये शायद अभी ना करें कि इनको, वैसे भी हमें बहुत देर से होश आती है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजों पे, और ये भी उन्हीं चीजों में से एक है। हमारे पास इस पे काम होने से पहले इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज भी बल्कि कर लिया गया, बहुत सारी फेक जेनरेटेड न्यूज और बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोज हमने देखा कि पिछले 5-6 साल में बहुत सर्कुलेट हुई, अभी भी हो रही है, और उन्होंने हमारे लिए बहुत मसाइल क्रिएट किए हैं, नॉट जस्ट फॉर जर्नलिस्ट लेकिन सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि सोशली बहुत सारी चीजें जो हैं अब लोगों को परेशान कर रहे हैं कि आप कहीं जाते हैं आर यू नॉट सेफ व्हेन यू टॉकिंग टू समबडी, आर यू बीइंग हर्ड, यू बीइंग लिसन टू, यू बीइंग बग्ड, तो ये वो चीजें हैं जिनका स्टेट को जवाब तो किसी तौर पर देना है। और दुनिया में इसमें देखिए लॉज बनते हैं लेकिन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन आते आते आपके पास जो है टाइम भी लगता है और सोसाइटी उसमें बहुत किरदार अदा करना पड़ता है उसके अंदर उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उन सारी चीजों को। तो मेरा ख्याल है हम तो मेंटली रेडी ही नहीं है अभी इन चीजों के, अभी तो आप ये समझे कि बम्बार्डमेंट हो रही है हमारे ऊपर, ये जो सब चीजों की है एक ट्रेंड है जिनसे हम डील कर रहे हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर, और गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि हम बहुत ऑब्सोलीट किस्म की चीजों में पड़े हैं एज अ स्टेट कि हमने इसको यहीं पर रोक देना है, इसे हमें बोल नहीं देना उसका, ये वाले जो हमारे मैटर्स है होपफुली हम इनमें से बाहर निकलें और हम देखें कि दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, और कई दफा कोई शख्स कोई कुछ भी नहीं कह रहा लेकिन अब उसकी आवाज में भी आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, तो अब इनको डील करने की तरफ जाना चाहिए, अब गाड़ियां लानी बंद करते हैं दरवाजों पे और व्हेन यू यूज एनी मोर काम मीडिया को नहीं है मीडिया नहीं कर सकता, देखें हो सकता है, मैंने खुद 2-3 इलेक्शंस कवर किए हैं कराची से भी इस्लामाबाद से भी। पॉइंट ये कि हम आपको आप तक एज एन ऑडियंस वो पहुंचा सकते हैं जो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया हमसे हमें कम्पीट करना होता है, और बहुत सारी चीजें आप पे जो डिपेंडेंस थी ना ऑडियंस की कि आपने उन तक जो है वो पहुंचाना है सब कुछ, वो खत्म हो गई है। People don't turn on television to get the news anymore. जो कि एक authentic source से किसी हद तक authentic source से आ रही होती चीज, एक process से आ रही होती, यूं कहने authentic source तो शायद आप ना माने बहुत सारी चीजों को, लेकिन एक process से आ रही होती, एक reporter है वो desk पे report करेगा, desk पे वो editor के पास लेके जाएगा, editor will publish it और photo बनाने हैं, लेकिन हम वो बहुत सारी चीजें social media पे cross कर जाते हैं। तो एक तो न्यूज देखने के लिए कि सिचुएशन जानने के लिए कि पुलिस स्टेशन पे क्या हो रहा है मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है इस वक्त, बहुत सारा जो है ऑडियंस जो है नहीं कर रहा है, जो कि मेरे लिए अब ट्रिकी सिचुएशन है कि मेरे पे जो क्रेडिबिलिटी है जो भरोसा होता था रिपोर्टर पे वो लोगों को नहीं रहा, उसमें भी फेक न्यूज ने बहुत कमाल दिखाया है, हम उसके खुद विक्टिम है जर्नलिस्ट जो है, क्योंकि आपके आपका जो मीडिया पे से बिल्कुल एतबार उठ जाएगा कि वो नो मीडिया इस्लाम चैनल है, ये तो बात ठीक नहीं करते, जर्नलिस्ट तो बिके हुए हैं सब, इनके पास तो लफाफे आ रहे हैं, इनके पास तो ये है, या इनके इतने बायस है, ये तो उसका बंदा है, ये तो इसका बंदा है, इसके लिए काम करती है, तो फिर आपका मेरे पे तो कोई, मैं जो भी कहूंगी कि वो बाय है, अगर मैं आपको कहती नहीं हूँ कि इस्लामाबाद के फला जगह पे जो है इलेक्शन फेल हो रहा है मुझे बाय है, आप सोचेंगे पता नहीं ये फला चैनल है ABCD, ये तो पता नहीं हमेशा यही नहीं कहते, अच्छा मैं दूसरा चैनल लगा कर देखती हूँ वहां पे क्या हो रहा है। सो मैंने जो आपको कहा था ना कि डाइवर्सिटी इज गुड लेकिन पोलराइजेशन इज नॉट, हम पोलराइजेशन के दौर में हैं, इस वक्त बहुत स्ट्रेंज किस्म का दौर है और बहुत ही स्ट्रेसफुल है हमारे लिए, और साथ ही टेक्नोलॉजिकली भी हम बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, तो हम अक्सर जर्नलिस्ट जो है वी आर रीइन्वेंटिंग आवरसेल्व्स टू बी ऑनेस्ट, हम खुद इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जर्नलिस्ट सिवाय इसके कि वो याद ना नहीं करा सके स्टेट को कि भाई ये इतने ही दिन में इलेक्शन होने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है, लोग ये चाहते हैं तो आप ये कर दें, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, रेजिंग अवेयरनेस, दैट्स अबाउट इट। मेरा कुछ मतलब सेकंड पॉइंट यही था कि अगर जैसे कि लोग अब
उन पर रिलाई नहीं करते या फिर मीडिया को ऑथेंटिक नहीं मानते, तो उन्हीं का ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करने के लिए या फिर मतलब अपना रोल एग्जैक्टली प्ले करने के लिए हमारे लिए क्या स्पेशल ट्रिक्स वगैरह? देखिए बहुत सा, यू कांट डिसाइड और डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन कम्युनिटी ऑल्दो यू वांट टू। एज एन इंडिविजुअल आप जो काम कर रहे हैं वो आप अगर अपनी ईमानदारी से जितना आपको पता है अपनी गिवन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल को एम्प्लॉय करते हुए आप करते हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन डू। उसमें आपको फिर ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने फला के क्योंकि 25,000 और 25,00,000 फॉलोअर हैं तो मेरे 25,00,000 फॉलोअर तो सोशल मीडिया पे नहीं है तो आई एम नॉट डूइंग द गुड जॉब। बहुत से इदारे जो है वो अलाउ ही नहीं करते कि सोशल मीडिया के ऊपर हम काम करें, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा भी जैसे ताल्लुक है, मना हमेशा नहीं कोई करता, लेकिन वी नॉट इनकरेज कि हम अपनी जाती ओपिनियन वहां पर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप जाती ओपिनियन नहीं लेते आपकी फॉलोइंग उस तरह नहीं बढ़ती, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ फॉलोइंग के चक्कर में बढ़े या तो फिर आप सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर जाए अपने आपको, आपको फिर जितनी भी फॉलोइंग चाहिए यू आर फ्री, यू नो यू देन नॉट अ जर्नलिस्ट एज सच, लेकिन फिर आप सोशल मीडिया पर नहीं कर रहे तो फिर आप उस तरह लेके चलेंगे, अदरवाइज आप अपने आपको इंडिविजुअली लेके चल सकते हैं, यू कांट जस्ट यू नो व्हाइट वॉश व्हाटएवर पीपल हैव बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग।